हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम सुबह से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी है, मम्मी पनीर को निचोड़ रही हैं क्योंकि आज हम पनीर के पराठे बनाएंगे। तो ये मम्मी ने निचोड़ा था टाइट से, क्योंकि मेरे से टाइट नहीं निचोड़ता तो इसलिए मम्मी ने निचोड़ दिया था इसे। फिर ये पनीर को मैश कर लिया निचोड़ के, और इसमें हम मसाले डाल रहे हैं। और फिर मम्मी का हाथ हो ही रहा था गंदा, तो मम्मी ने हाथ से उन्हें मिक्स कर दिया था। तो इसमें हमने लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक यूज़ किया है। फिर ये मिक्स करके फिर प्याज डाल ली जो हमने कट करके रखी थी पहले से, फिर इसमें वो मिक्स कर ली थी। फिर ये हमारा वो तैयार हो गया था, पराठे में भरने वाला मसाला तैयार हो गया था। ये तवे पे मैंने देसी घी रख दिया था कि तब तक गर्म होके पिघल जाएगा, और एक गैस पे चाय रख दी थी। तो नाश्ते में चाय और पराठे हैं, तो एक गैस पे चाय रख दी थी, चाय उबल रही थी, तब तक मैं पराठे सेक दूँगी और उधर चाय भी पक जाएगी, फिर चाय पराठे दोनों तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया पराठा बनाना। किस किस को पनीर का पराठा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पराठा हम बेल रहे हैं, फिर बस हमारा चाय पराठे तैयार हो जाएंगे। तो आप भी आ जाना हमारे साथ, नाश्ता कर लेना। और ये हमारा पराठा बेल चुका है। चाय पक के तैयार होगी है, तो इसे हम छान लेते हैं। तब तक पराठा भी सीख गया है, तो ये हमारी चाय तैयार होगी। पी लो आप भी हमारे साथ, और पराठा भी तैयार हो गया। चलो चाय पराठे खा लो, आप भी नाश्ता कर लो। यहाँ फिर दोपहरी हो गई थी, दोपहरी में हम बना रहे थे नमकीन चावल। तो फिर यहाँ मैंने प्याज टमाटर ये छोंक तैयार कर लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्ची। तो इसमें मसाले डाल रही थी, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, और ये मैं नमकीन चावल का मसाला तैयार कर रही थी। तो दोपहर में हमने बनाए थे नमकीन चावल। गरम मसाला पक गया था, जब मसाला पक गया था तो मैंने इसमें बड़ी फ्राई करके रखी हुई थी तो वो डाल दी। फिर बड़ी डालने के बाद बड़ी को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद इसमें आलू कट करके रखे हुए थे, आलू डाल दिए। और फिर मैंने चावल भी भिगा रखे थे तब तक, और जैसे कि आलू और बड़ी मिक्स कर दिए। फिर उसके बाद ये मिक्स होने के बाद फिर इसमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें मसाला तब तक अच्छे से घुस गया बड़ी में। फिर मैंने पनीर कट करके रखा था, फिर मैंने पनीर भी डाल दिया इसमें, और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 मिनट तक के लिए इन्हें पकने दिया। फिर जो चावल वॉश करके रखे हुए थे, फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर फिर मैंने चावल डाल दिए थे जो भिगा के रखे हुए थे। मैंने थोड़ी देर भिगा दिए थे, तब तक मसाला तैयार हुआ। फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया था डाल के। फिर ये अच्छे से मिक्स हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। जितना भी पानी जैसे डलता है उस हिसाब से पानी डाल दिया था, और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर मिक्स करके कुकर को बंद कर दिया था और एक सीटी लगवा ली थी। और एक सीटी के बाद हमारे नमकीन चावल तैयार हो गए थे। चलो आप भी आ जाओ हमारे साथ, नमकीन चावल खा लो। हमने फिर दही और नमकीन चावल खाए थे दोपहर में। ये तो पता ही था आपको, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। तो फिर मेहमान जा रहे थे, तो फिर हमने पनीर और रोटी पैक कर दी थी क्योंकि खाने का समय नहीं हुआ था शाम का, तो पैक कर दिया था। फिर वो जा रहे थे, उस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, और जब ये जा रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, बारिश में ही गए थे। शाम के टाइम 6 बजे से बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, तो इन्होंने कहा बारिश तो पता नहीं कितनी देर में रुकेगी और तब तक तो हम निकल लेंगे। बारिश रुकने का वेट नहीं किया, फिर ये बारिश में चले गए थे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और बहुत तेज़ बारिश आई थी, फिर बारिश रुकने के बाद बहुत अच्छा मौसम हो गया था। ये बारिश हो रही है और हमारे मेहमान भी जा रहे हैं। बगैर क्रीम
का घेवर मंगवाया था तो संजीव नहीं खाता बिना क्रीम वाला घेवर, तो फिर हमने क्रीम का मंगवाया था। फिर मेहमान चले गए थे, फिर मैं रूम की सफाई कर रही थी तो मैंने बेडशीट चेंज की थी और आज हमने ये नई बेडशीट डाली है। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। आज ही डाली है मैंने ये नई बेडशीट और फिर सारा सफाई की कमरे की। बारिश भी रुक चुकी थी जब तक, और ये मैंने झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। दिन में सब यहाँ बैठे हुए थे तो नीचे का तो हो गया था, यहाँ का नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा अब कर लेती हूँ, शाम को काफ़ी टाइम था, मैंने कहा अब कर लेती हूँ। तो फिर ये कमरे की सफाई की, छत की, बारिश रुक गई थी तो छत भी साफ की फिर। और फिर शाम के टाइम इतना अच्छा मौसम हो गया था, फिर हम शाम को छत पे गए तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। क्योंकि बारिश रुकने के बाद तो वैसे भी अच्छा हो जाता है, हवाएं भी ठंडी चल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर छत पे चले गए थे काम करने के बाद। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।